संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश संविधान निर्माता की पुण्यतिथि मना रहा है। इस दौरान आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भी संविधान निर्माता बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये देश में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में कोई अपना तंत्र लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून को किसानों को आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, इसलिए याद रखें संविधान के साथ यदि बीजेपी वाले छेड़छाड़ करेंगे तो देशवासी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला करते हुए कहा कि जिस संविधान के संशोधन करने की बात उन्होंने की थी भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दी है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आग के साथ खेलेगी प्रदेशवासी कभी चुप नहीं बैठेंगे। वहीं भाजपा सांसद द्वारा अयोध्या के बाद मथुरा को लेकर दिए जा रहे बयान पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पागलपन की निशानी है जो लोग इस तरह की बात करते हैं। आस्था के साथ बीजेपी हमेशा से खिलवाड़ करती है। वहीं जेडीयू विधायक द्वारा जेडीयू सांसद पर शराब बेचे जाने के आरोप को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सरकार शराबबंदी करके 20,000 सरकार ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है। जनता की बहुत परीक्षा लेना बहुत खतरनाक है। अभी भागना पड़ा है किसानों के डर से। जिस दिन भारत की पूरी आवाम गरीब गुरबा अपने संवैधानिक हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो समुद्र पार जाना पड़ेगा इन लोगों को। उन्हीं अंग्रेजों के जिनकी दलाली करते थे उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई श्रद्धा सुमन नहीं बल्कि ये प्रतिज्ञा संकल्प चित्र के सामने नहीं चरित्र के सामने जो उन्होंने भूमिका भारत राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाया है हम उसके प्रति मान और सम्मान प्रकट करते हैं। और जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का। जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र पे बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। इक्वल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष भारत यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है। आप भ्रम में मत पड़िए, मैं एक लाइन में कह चुका हूँ 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था इस वर्तमान सरकार ने बनाई है। ये छिपेगा क्या? खैर खून खांसी खुशी पैर क्या क्या है मधुपान लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।